हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है अगरबत्ती मेकिंग मशीन। क्या एक कम पूंजी के साथ व्यापार स्टार्ट करने वाले व्यक्ति के लिए स्टार्टिंग में अगरबत्ती मेकिंग मशीन लेना सही है या उनके लिए वो एक बर्डन होता है। जिनके पास कम बजट है उनको स्टार्टिंग में अगरबत्ती मेकिंग मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे हम ये तय कर सकते हैं, इन चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त यदि हम खुद का मशीन लेते हैं तो क्या अंतर आता है, मशीन का जो काम है वो अगर किया हुआ मार्केट से करवाते हैं तो क्या अंतर होता है, ठीक है, और एक कितने मिनिमम बजट यदि हमारे पास हो तो हम मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। चूँकि मैं देख रहा था इधर दो चार दिन से के ऊपर चूँकि बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियाँ चल रही थी कि क्या करें, मशीन लेके फंस गया, ये हो गया वो हो गया, मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो यदि आपको इस तरह की कोई भी क्वेरी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चूँकि इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले करना चाहूँगा आपसे एक विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। चूँकि इस चैनल के ऊपर हम लोग अगरबत्ती उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर देखा होगा जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि कैसे आप एक अगरबत्ती की मशीन लेके हजारों लाखों कमा सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, लाइफ बदल सकते हो, पर क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है, और देखेंगे कि क्या वास्तव में केवल एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन ले लेने से जो हमारी बिजनेस है वो चल पड़ती है, या हमें मशीन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेनी चाहिए तो किस स्टेज के बाद लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो में बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न आता है कि आप रॉ अगरबत्ती मशीन क्यों लेना चाहते हो, जस्ट आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेना चाहते हो या आपको रॉ अगरबत्ती की आवश्यकता है और आप रॉ अगरबत्ती अभी किसी और से खरीद रहे हो, उस खुद के रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए आप अगर मशीन लगाना चाहते हो तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। यदि आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगरबत्ती मशीन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ठीक ठाक तो एग्जैक्ट कोई भी व्यक्ति कोई भी बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आप लो या ना लो, आप खुद से पूछो, ठीक है। आप मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा और जो मेरा अभी तक का अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है मैं उनमें से कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। पहले चीज़ आप ये देख लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। यदि आपकी बजट, मैं यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दूंगा, हो सकता है लोगों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, बट मेरा जो ओपिनियन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको क्या देखना है कि आपका बजट, ठीक है, यदि आपका बजट 2 लाख से ऊपर का है, यदि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका बजट 2 लाख से ऊपर का है तो आपको आपको रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए मशीन के ऊपर जाना चाहिए। यदि आपका बजट 2 लाख रुपए से कम की है तो आपको मशीन को अवॉइड करना चाहिए, बिना मशीन लगाए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। बिना मशीन लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लाइक रॉ अगरबत्ती चूँकि आपको चाहिए तो रॉ अगरबत्ती क्वालिटी का कैसे मिल सकता है, आप उसकी कैसे सुपरविजन वगैरह कर सकते हो, तो वो अलग मैटर है, आपको उसके ऊपर काम करना होगा, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बिना सही तैयारी के, बिना कुछ रिसर्च के यदि आप बिजनेस के अंदर आएंगे तो बहुत सारी नुकसान आपको देखने को मिलेगी। तो पहली जो पॉइंट थी हमारी यहाँ पे कि रॉ अगरबत्ती, सॉरी, यदि आपका बजट, आप बिजनेस में अगर एंटर कर रहे हो, आप अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और आपका बजट यदि 2 लाख से ऊपर का है, मिनिमम 2 लाख से ऊपर का है, तो जाके आप अपने खुद के मशीन के साथ बिजनेस स्टार्ट करो, ये आपके लिए कारगर हो सकता है, ठीक है। बट यदि उससे नीचे का है तो आप मशीन को अवॉइड करके चलो। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको मशीन लेना चाहिए कि नहीं, कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो रॉ अगरबत्ती की कंजप्शन है वो पर डे की कितनी है। क्या आपकी रॉ अगरबत्ती की कंजप्शन पर डे की मिनिमम 50 केजी की है,
तो आप मशीन लो, अन्यथा मशीन मत लो। यदि आपकी मिनिमम 50-60 केजी की खुद की कंजप्शन है रॉ अगरबत्ती की, तो आपको रॉ अगरबत्ती बनाने की मशीन लेनी चाहिए, अन्यथा आपको बना हुआ, आप बना हुआ भी उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको चीज़ सही मिलना चाहिए। तो वहाँ पे आपको सही लोग अगर मिल पाते हैं तो आप कोशिश करो कि आप खुद का मशीन बिना लगाए ही काम करो। यदि आपको सही रॉ अगरबत्ती मार्केट से नहीं मिल रहा है, तब तो भाई आपको खुद का मशीन लगाना ही होगा। चूँकि यदि रॉ अगरबत्ती आपको अच्छा नहीं मिला, प्रीमियम क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती नहीं हुई, तो आपकी बाकी चीज़ें लाख बेहतर हो जाए, लाख अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बाकी चीज़ कर, बट वो वहाँ पे काम नहीं आएगी। आपकी खुद की जो रॉ अगरबत्ती है उसकी क्वालिटी एकदम प्रॉपर होनी ही चाहिए। तो बाकी जो भी मटेरियल होती है सबकी क्वालिटी आपके रॉ अगरबत्ती के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आपकी रॉ अगरबत्ती आपका खुद का कंजप्शन पर डे का 50 केजी से कम है, और वो 50 केजी से कम जो है वो आपको सही सोर्स से आपकी आवश्यकता के अनुसार यदि मिल जाता है, तो आपको मशीन अभी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। चूँकि एक मशीन का 50 केजी से ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है पर डे का, और यदि आपका खुद का कंजप्शन उतना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस है वो आपके ऊपर बर्डन होगा, है ना। इसके बाद रॉ अगरबत्ती लगाने के पीछे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम भैया कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा। तो भाई साहब, रॉ अगरबत्ती की मशीन अगर आप खुद भी लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा रेट के अंदर। अरे आप खुद से बनाओगे तो उसमें आपका इंगेजमेंट होगा, आपका समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है सर, ठीक है। तो आपका जो रेट होगा वो ऐसे मोटा मोटी मैं बताऊँ 15 रुपये के आसपास ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है कि प्रति केजी रॉ अगरबत्ती के अंदर जो आप खुद से बनाओगे उसमें भी 15 रुपये भी कई बार कम हो जाती है आपके, 10 रुपये हो सकते हैं, वो 8 रुपये हो सकते हैं, 7 रुपये हो सकते हैं। जो प्राइस का अंतर है वो डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे, बट मैक्सिमम 15 रुपये जा सकता है अंतर, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो यदि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कम है, छोटा बिजनेस है, तो कोशिश करिए कि बिना मशीन का आप स्टार्ट करें, बिना मशीन का कुछ दिन सर्वाइव करें। जब आपकी कंजप्शन थोड़ी बहुत बढ़ जाए, कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लाइक मिनिमम यदि आपका 50 केजी से ऊपर हो जाता है आपका डेली का कंजप्शन, और आपका बजट भी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर 2 लाख से ऊपर जाता है मिनिमम, तो जाकर के आप लोग अपने मशीन के ऊपर आइए। बाकी अगर उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट है, और यदि आपका उस 50 केजी से कम का डेली का आपका कंजप्शन है, तो मशीन लगाना आपके लिए बिल्कुल भी कहीं से भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। आपको इस चीज़ के नुकसान ही देखने को मिलेंगे। अगरबत्ती मशीन आपको लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये आपको देख लेना है। चूँकि जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि केवल अगरबत्ती मशीन लगाने से आपका बिजनेस नहीं चलने लगेगा, ठीक है, उसके लिए और भी बहुत सारी रिसोर्सेज लगती हैं। जैसे आपका आपके अगरबत्ती का बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसी है। लाइक आप अगर कहीं भी मार्केट में जाते हो, तो जो रेडीमेड पाउचेज बॉक्सेज वगैरह लेके जाते हो, तो वहाँ पे जो आपका अपीयरेंस होता है वो, और आप अपने ब्रांड वगैरह की पैकेजिंग मटेरियल लेके रखते हो, तो वहाँ पे जो आपका अपीयरेंस होता है वो, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, और आपकी जो पैकिंग मटेरियल है वो कस्टमाइज होती है, आपके खुद के ब्रांड में होती है। तो वहाँ पे आपको जो होलसेलर है उनके यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्टिंग में मशीन नहीं लेनी है। बाकी आपका खुद का अपना विवेक, कुछ भी कोई भी कदम उठाने से पहले आप खुद का रिसर्च करिए, खुद का आप मार्केट में जाइए, देखिए कैसे क्या प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कि क्या गलती करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो, ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है यहाँ तक हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मशीन के बारे में थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो उस वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर पूछिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके एक एक सवालों का जवाब दिया जाए, और आगे आने वाले वीडियोज के अंदर यदि कोई समस्या आपकी होती है जो कि आपने कमेंट बॉक्स में बताया, तो यदि पॉसिबल होगा तो हम उसके ऊपर
वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर बताया था कि रॉ हैंडमेड रॉ अगरबत्ती हमने बनाना सिखाया था, यदि आपने बिना मशीन का रॉ अगरबत्ती कैसे बनाया जा सकता है वो नहीं देखा है तो ऊपर हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मशीन लेना कहीं से भी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप बिना मशीन का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिना मशीन का भी स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आप जैसे हमने हैंडमेड रॉ अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है वो बताया था यूट्यूब के ऊपर, जल्दी ही इसके ऊपर फ्लोरा अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, हैंडमेड फ्लोरा कैसे बनाई जाती है, मसाला अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, कलर अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने की सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो जो हम लोग जल्दी ही लेके आने वाले हैं। बट ये एक चीज़ रहेगी कि जो हमारे वो मेंबर हैं उनके लिए ही वो वीडियो जाएगी, तो यदि आप अभी तक हमारे मेंबर नहीं बने हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि जल्दी ही आप उस पावरफुल वीडियोज का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।